ये है कहानी के पार्ट टू। पार्ट वन देखने के लिए जरा गौर फरमाइएगा फॉर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नहीं देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है भाई, लेकिन देख लो तो अच्छा है, कहानी समझ में आ जाएगी। तो ये कहानी शुरू होती है यहाँ से। तो जॉयदीप जरा बताओ, दिखा तो रहे थे अंबुबाचे मेला, ये कहाँ पहुँच गए? जी, इधर उधर घूमते हुए हम पहुँचे भूतनाथ मंदिर। सही सुना आपने, भूतनाथ। नाम से आपको माहौल का थोड़ा अंदाज तो लग गया होगा। यह मंदिर है शमशान घाट के बगल में और मेला के समय बहुत सारे साधु इस जगह में रहना पसंद करते हैं। So right now we are in Bhutnath Mandir and you can see most of the sadhus are living here in this place and they are enjoying Ma Kamakhya's prasad. Mahadev's prasad, this Mahadev. And they are enjoying Mahadev's prasad and that's Mahadev's Mandir, that means Shiva. Aur is jagah ki jo scene hai, Jai Mahadev. अभी वक्त हो गया मंदिर में जाने का और मंदिर पहुंचने के लिए दो तरह के रास्ते हैं, एक मेन गेट से होके और दूसरा सीढ़ी से। और आपके भाई ने चूज किया सीढ़ी वाला रास्ता, लेकिन क्यों? कहानी देखो तो जरा। सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ वे टू गेट अप देयर, वी कांट फॉलो द नॉर्मल रूट बिकॉज़ इट्स 3-4 किलोमीटर्स अप हिल and last night none of us have slept. don't ask why. ekhane upor dike jay ekhali be banmul goy ase no. So I guess we have found a way. Bro, you want to say anything about our upcoming adventure? No, I'll say after a few minutes. Kuch bologe aap? और दहशत दोनों के मुंह में, मेरे मुंह में भी है, लेकिन आई एम द होस्ट राइट सो मैं दिखा नहीं सकता। देखो भाई लोगों के फिटनेस के ऊपर जज नहीं करना, ठीक है? और ऋषिकेश के फिटनेस के ऊपर तो थोड़ा भी मत जज करना। अगर आप अपने आप को थोड़ा भी मोटा समझते हो तो आगे के सीन ना देखे और कृपया सीधे ये सेक्शन स्किप कर दे। डर के आगे जी नहीं, डर के आगे फट्टी कमक्खा है। कमक्खा ये बॉय गेट अप देयर, मेरे फास्ट ऑफ फेस। दस कदम चलने के बाद फास्ट ऑफ फेस, ये फास्ट ऑफ फेस है। ये हम लोग कितनी सीढ़ी उठे हुए, जस्ट अराउंड 10 शायद 10-15। और ये फर्स्ट ऑफ पेस, और हम लोगों को जाना है, पता नहीं यार, दिख तो नहीं रहा है, मंजिल तो दिख नहीं रहा है मुझे।
हर 20 कदम के बाद हमारे पलटन को रुकना पड़ा रेस लेने के लिए और हमारा गणेश यानी ऋषिकेश बोरो बोरो 10 सेकंडर मोरे ये बोले हमार 2 घंटा आमी गय ना पाऊ माजे ओ बहुत भाव लागिस देखन दांगी भाग हमार लागि गय ना सो सी आवर गणेश I think he's gonna lose some about 10 to 15 pounds today. Going to? He already lost 15 pounds. So kiss me with your marijuana breath. I can be a cure for loneliness. A little something to help you forget. I did it. Hey, Mountain Dew. Boy, love. আগত ভাবিলো কেনা বেয়া দিন আছে তুমি মই কৈছিলো তুমি কামাখ্যা যাম কাকে বেয়া দিন নাই আর এসে হি হর 15 কদম কে বাদ রুক রুক কে ইয়াহা ওয়াহা রেস্ট লেকে ফাইনালি উই রিচ দা টপ অফ দা স্টেয়ারকেস लेकिन जो हालत हुई थी हमारी और जिस शख्स ने कहा था कि मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है जी सही बोला था आपने कंटेंट मिल गया हमें इंटरव्यू वाला कंटेंट चैनल टीवी नहीं हाँ नहीं नहीं यूट्यूब यूट्यूब का चैनल यूट्यूब यूट्यूब नाम बोलो अपना दे मानिक दास सारा हुगली हुगली जिला हुगली कब आए थे यहाँ पे आया था वो बृहस्पतिवार को और कैसा लगा कहाँ पे रह रहे हो आप लोग हम लोग हैं तो उधर इधर घूम घाम के मंदिर का अगल बगल हम लोग अभी जाता है भुवनेश्वरी मंदिर अच्छा अच्छा लौट के आएगा उसके बाद कैसा लगा यहाँ पे जाके अच्छा तो लगा हम 5 साल आया है 5 साल आया है ओ इस बार कैसा लगा आप पिछले इस बार और अच्छा लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है इस बार भीड़ ज्यादा है ना हम लोग का तो पहली बार है हम लोग गुवाहाटी का ही है अच्छा और आपका नाम मेरा नाम है तरुण दास हम वेस्ट बंगाल रायगंज डिस्ट्रिक्ट उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद डीआरडी सेल का स्टाफ है हम ऑल इंडिया में जितना भी तीर्थ स्थान सब भ्रमण करते हैं हम और कैसा लगा आप यहाँ पे हर साल आते हो मतलब यहाँ हर साल आते हैं माता जी का दर्शन बहुत अच्छा लगा यहाँ आके शांति मिलता है संसार में रहने के तो अशांति मिलता है यहाँ आके थोड़ा सुकून मिलता है जी चाहता है कि यही रह लूँ क्या करें फैमिली है जाना ही पड़ता है सबका वही प्रॉब्लम फैमिली से टेंशन हटाने के लिए हम यहाँ आते हैं यहाँ पर रहने का खाने का पीने का कोई असुविधा नहीं है पूरा अच्छा व्यवस्था है सिक्योरिटी भी अच्छा है थोड़ा सा अगर बायो टॉयलेट का व्यवस्था अगर करता जैसे कुंभ मेला में किया था वही थोड़ा इलाहाबाद में कुंभ मेला में जोगी जो किया था तो उसका कोई मतलब जवाब ही नहीं वही एक तो खाली प्रॉब्लम है बायो टॉयलेट और नहाने का ये अगर हो जाए तो यहाँ लोग और नाम भी होगा उसका तो करना पड़ेगा ना प्रकृति का जो स्वाभाविक जो नेचर है उसका तो कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा खाली खिलाने से होगा उसको तो फिर तो बाहर करना है बाहर करना है जरूरी है नहीं तो आदमी मर जाएगा ठीक है अच्छा लगा मिलकर चलिए नेचर ही गॉड है गॉड ही नेचर वही आनंद है आनंद ही भगवान है बस ठीक है अच्छा लगा मिलकर चलिए चलिए लेकिन आपने हमसे पूछा नहीं इस गर्मी में इतनी सारी सीढ़ी उठ के क्या हमारे मेहनत रंग लाई द एटमॉस्फेयर वंस रीचिंग अप वाज टोटली डिफरेंट अ वंस इन अ लाइफ टाइम फील सो मेनी पीपल डेयरिंग द हीट टू वॉक दिस माइल्स आवर हार्डशिप बिकेम जस्ट इररिलेवेंट टू अस कीपिंग ओनली व्हाटएवर वाज नेसेसरी We finally set out for a temple on barefoot. तो हालत हो चुकी है हम लोग की खराब लेकिन boys, this is the last part and यहाँ पे जो करना है यहाँ पे करना है पैर का हालत तो खराब बैक का हालत और भी खराब बाकी पता नहीं बाद में यहाँ से जिंदा जा पाएगा कि नहीं दुआ मिले उन लोगों को जो इन भूखे प्यासे यात्रियों को अपने मंजिल तक पहुंचने में मदद करते हैं
There were lots of stalls distributing free water, cold drink, and thanks to their selfless efforts in making this arduous journey somewhat easier. So we have finally reached our temple, and our boys got Red Bull, some energy to get us going for our passion. So finally we are into the temple. तो ये है माँ कामाख्या मंदिर। मंदिर में घुसते ही हम अपनी थकान और दर्द का जो महसूस था उसको खो दिए। We could only feel the reverberation of this peaceful feeling in this temple। और ऐसी थी इस जगह की कुछ vibes और energy कि सारे लोग मंदिर के दर्शन में और कुछ माता जी के कदमों में खोए हुए थे यहाँ पे। मानो जैसे कामाख्या माँ की पुकार हर जगह यहाँ गूंज रही थी। और यही गूंज हमें लेके गई एक साधु जी के पास। तो एट लास्ट आपके भाई को थोड़ी तो हिम्मत हुई उनसे कुछ बात करने की। मतलब कामाख्या के ही हो? जी नहीं, मैं काठी का रहने वाला, बनारस का। ओ, बनारस से आए क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। हरताली आता था 1994 से, मैं हरताली आता हूँ, वहीं बैठता हूँ। हम और गौरी माँ, गंदा पिता ना, वो मेरा पुती है, उसका दादा है। देखो गाड़ी का फैसिलिटी नहीं देने की वजह से मेला कितना कमजोर है। अब उदा आदमी अब बहुत लोग कर ही नहीं सकता सामान लेके, सामान के लिए स्टोरेज बना दो, लॉकर लॉकर खोल दो। हाँ, वो सब मैनेजमेंट करना चाहिए, करना चाहिए। कुंभ ऐसा मेला चुका, उसके मैनेजमेंट हो जाता है। अच्छी आवे तो खाना नहीं देना, नहीं तो कौन तक तुम्हारा घर में कोई जाएगा, भूखा भेजेगा? वो तो नहीं भेजेंगे। तो ये क्या क्या करते हैं ना, खराब करते हैं धर्म की। एक तरफ धर्म की जाए और दूसरे तरफ धर्म का धर्म काम करने का। और सुना मैंने वो टॉयलेट वॉलेट भी नहीं दे रहे इधर पब्लिक के लिए। अरे भाई, ये टॉयलेट एक तो टॉयलेट है, उसमें कोई तुम किस वास्ते गवर्नमेंट से पैसा मेले का खाते हो? टॉयलेट सीवर नहीं खोल सकते, इतना प्रेस पड़ा है। आप ये मतलब ये जिंदगी कब से मतलब शुरू कर दिया? 1984 से। 84 से पहले मैं आर्मी में था। आर्मी में थे? अच्छा अच्छा अच्छा। 1972 में सस्पेंड हुआ, 1964 में भर्ती हुआ। अच्छा। पहली लड़ाई 1965 लाल बहादुर शास्त्री के साथ लड़ा हूँ, दूसरी लड़ाई इंदिरा गांधी के साथ फास्ट फायरिंग में सस्पेंड किया गया, राजपुताना बटालियन 6। मेरा नाम तब जगदीश प्रसाद दीक्षित था, उसके बाद साधु बनने के बाद मेरा नाम योगेश मुनि हुआ। अच्छा, तो वो कहानी थोड़ा बता पाएंगे मतलब कैसे हुआ वो? भाई सस्पेंड करने के बाद समस्या मेरे सामने आई खाने खाने की। इस गूंज में रिकॉर्डिंग तो गया काम से, तो हम आपको समझा देते हैं कि उनके साथ हुआ क्या। सस्पेंड होने के बाद वे गाड़ी चलाने लगे और एक दिन माँ कामाख्या उनके सामने आई पानी मांगते हुए। पानी देने के बाद उन्हें माँ कामाख्या ने आशीर्वाद दिया और यही बात उन्होंने जब घर पर बताया तो उन्हें सब लोग बोलने लगे कि आप साधु बन जाइए, बिकॉज ही इज़ ब्लेस्ड। और तभी से
वो इस मार्ग पे चल पड़े। और तब से आपका जिंदगी मतलब कैसा हो गया? वो ये तो बोलेंगे कर्ज मर्द फर्ज तीनों से अलग हो गया। गृहस्थ की चिंता व्यक्त तो जिंदगी ठीक है, जीने का तरीका सीख गया, पहले नहीं सीखा। नौकरी गुलामी करके कोई जिंदगी जी तक जीने का तरीका है? जिंदगी का नाम है अपने तरीके से जिए, मिलके जियो। हाँ, तो जियो जिंदगी अपनी तरीके से और जीते जीते देखते जाओ इस अंबुबाची मेला के अन्य रंग। প্রথমতে বহুতে কষ্ট হল, বহুতে বেশি কষ্ট, কিন্তু আহি ভাল লাগছে। মিনময় মোর আজিলেকে বহুত খোজ কাঢ়িল, তিন বছর পিছন আজি আর খোজ কাঢ়িল, কিন্তু আজির নিচিনা খোজ কাঢ়িল মানে মন্দির আহি কিবা শান্তি এটা ফিল হয়েছে ন যে ন মানে এইটো মই ফিল কৰিছো। अंदर कुछ सुकून सा महसूस हो रहा है, थके हुए सब लोग, वी आर वेरी टायर्ड बट समहाउ वी आर फीलिंग पीसफुल। यहाँ का नज़ारा देखने के बाद थकान महसूस नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा शोर है लेकिन ये पीसफुल वाला शोर है। हाँ, यस, वो ट्रैफिक का शोर और इस पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। किंतु मैं एयरपोर्ट जाने के बाद 12 घंटा घूम मैं 12 घंटा खूब ही लगे आपको नाम आसे टेम्पल थोड़ा घूम लिए और अंदर में एक दो साधु से भी मिले हम लोग, उनसे कुछ बातें किए। अभी इस भीड़ से जाने का टाइम हो गया। यू कैन फील द एटमॉस्फेयर हियर, इट्स सो इलेक्ट्रिक, इट्स सो पीसफुल। So it's finally time to leave this temple. Thank you. See, such helpful people. It's finally time to leave this temple. And thanks to this guy, I've got this drink here. The sun's coming down right at us and it's so hot. We are literally drained out. But this is a one in a lifetime experience, so we can have that beating, of course. But seriously, what an experience. You can see in this seat even these shopkeepers, they have put out their stalls waiting for these customers. Everyone is feeling the pain, but for the faith, everyone is here in this Ambubachi Mela. So that's the spirit of this festival. Waha, hum na jaane humne kya hasil kiya, लेकिन ये बात जरूर एहसास हुआ कि लोगों की भक्ति पूरा कायनत को हिला सकती है। और ऐसी थी
हमारी छोटी सी एक अंबुबाची मेला की कहानी। एंड लास्टली दिस इज योर होस्ट जॉरी देका साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर। আমি বহুত ওপৰত উঠিলোঁ চা, বহুত ওপৰত উঠিলোঁ, ইমান ইমানো নাইতো। ইয়াৰ কিমান আছে আৰু? হা, 50%। হালত খৰাব হৈ গৈ কিয়া? আৰু কিমান ওপৰ হে? বহুত ওপৰ হে। থোৰা চা আয়া। থোৰা চা, खाने का व्यवस्था है, निकालने का व्यवस्था है।